हेलो एवरीवन, आज मैं हेल्दी पैनकेक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कई तरह की दालों और वेजिटेबल्स को मिलाकर बनाया गया है। यह खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और ये एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया जाता है। इसमें दाल और चावल को मेजर करने के लिए मैंने कप्स का यूज़ किया है, आप चाहें तो कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए एक कप चावल कोई से भी रेगुलर यूज कर सकते हैं, आधा कप उड़द दाल, वन फोर्थ कप चना दाल, और 1/4 कप मूंग दाल पीली वाली। इन सबको एक बर्तन में डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको पानी डालकर अच्छे से वॉश कर देंगे और पानी निकाल देंगे। फिर इसको फ्रेश पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। दाल और चावल भीग कर तैयार हैं। अब इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से पीसना है। इन सबका मिक्स होकर एक अच्छा पेस्ट बन जाएगा। ये पीसकर तैयार हो चुका है। अब इसको एक बर्तन में पलट लेंगे। इस पेस्ट को 6 से 7 घंटे के लिए फर्मेंटेशन के लिए रख देंगे। अगर गर्मियों का सीजन है तो अपने आप फर्मेंटेशन 6 से 7 घंटे में हो जाएगा, और अगर गर्मियों का सीजन नहीं है, सर्दियों का सीजन है, तो इसमें थोड़ा नमक और खट्टा 1 चम्मच दही डालकर इसको फर्मेंट होने के लिए रख दें। इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो चुका है और ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स मिलाएंगे। बारीक कटी पत्ता गोभी, बारीक कटी लौकी, कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च। इसके अलावा हम तेल, राई और नमक का भी यूज करेंगे। अब इस पेस्ट को एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें पत्ता गोभी, लौकी, शिमला मिर्च, प्याज, हरा धनिया, और हरी मिर्च डाल देंगे। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई सी भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। ऊपर से नमक डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब गैस पर नॉन स्टिक तवा गरम करेंगे। उसमें 1 चम्मच तेल
जब तेल गर्म हो जाए थोड़े से राई के दाने डाल दें। ऊपर से 2 चम्मच मिक्सचर डाल देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे। अच्छे से फैलाने के बाद इसको किसी ढक्कन से ढक देंगे और स्लो गैस पर पकने देंगे। जब नीचे से पैनकेक हमारा सिक जाएगा इसको पलट देंगे और फिर से ढककर सिकने के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाकर देखेंगे। नीचे से हमारा पैनकेक अच्छा ब्राउन कलर का सिक चुका है। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। क्योंकि हमने इसको स्लो गैस पे बनाया था तो ये अंदर से भी सिक चुका है। इसी तरह से हम सारे पैनकेक्स तैयार कर लेंगे और उनको चटनी या सॉस के साथ सर्व कर देंगे।